हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। बेटा, हम कक्षा सातवीं विषय हिंदी में हमने भीम और हनुमान ये पाठ पढ़ा था। आज हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। शब्दार्थ देखिए, विशाल। विशाल मीन्स क्या होता है? बड़ा। ताज्जुब, ताज्जुब होता है आश्चर्य। बलिष्ठ, बलिष्ठ होता है शक्तिशाली, जिसमें अधिक शक्ति हो। वेग, वेग होता है तेजी। मारुति, मारुति किसे कहा गया है? हनुमान को। ध्वजा, ध्वजा होती है पताका, झंडा। ठीक है, अब इसके प्रश्न देखिए। प्रश्न एक, द्रौपदी कहाँ खड़ी थी? कहाँ पर खड़ी हुई थी? द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? आश्रम के बाहर। प्रश्न दो, द्रौपदी ने भीमसेन से क्या कहा? क्या कहा द्रौपदी ने कहा, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? जब एक फूल उड़ता हुआ द्रौपदी के पास आया तो द्रौपदी ने उसे उठाया और वो द्रौपदी को अच्छा लगा। तो उसने भीमसेन से कहा कि क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे। प्रश्न तीन, भीमसेन किसके बगीचे में पहुंचे? किसके बगीचे थे वहां पर? भीमसेन पहाड़ी की घाटी में केले के बगीचे में पहुंचे। वहां पर केले के बहुत से बगीचे थे। प्रश्न चार, भीमसेन की मुलाकात किससे हुई? जब भीमसेन जा रहे थे फूल लेने के लिए तो उसकी मुलाकात किससे हुई? एक बंदर से हुई, और वो बंदर कौन था? हनुमान। भीमसेन ने बंदर से क्या कहा? क्या कहा भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है, यानी कि किसी भी जानवर को लांगना उचित नहीं है। इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघकर चला गया होता। ये किसने कहा? ये भीमसेन ने बंदर से कहा। प्रश्न छह, मारुति, मारुति किसे कहा गया है? हनुमान को। ठीक है, हनुमान ने भीमसेन को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? जब भीमसेन का घमंड चूर चूर हो गया तो उसके बाद भीम ने कहा कि आप मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। तो इस पर मारुति ने भीमसेन से क्या आशीर्वाद दिया? मारुति ने कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा, ध्वजा क्या होती है? पताका या झंडा, पर मैं विद्यमान रहूंगा और विजय तुम्हारी ही होगी। ये सभी प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं।